गाइज, आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज आज धनतेरस है और मेरे पीरियड्स भी ख़त्म हो गए हैं, जो कि नहीं होने थे. तो मैं बहुत प्रे कर रही थी कि बच जाऊँ, कि दिवाली पे मुझे पीरियड्स नहीं हो. तो मैंने मम्मी को ऑलरेडी बोल दिया था एक हफ्ते पहले कि दिवाली पर पूजा वगैरह आप कर लेना, बिकॉज़ आई हैव अ सेपरेट ऑल्टर स्पेस. जो मैंने अपना छोटा सा मंदिर बना रखा है टैरो क्रिस्टल्स, तो इसलिए मैंने एक अलग ऑल्टर स्पेस बना रखा है. तो मम्मी को बोला था कि उधर पूजा कर लेने के लिए, और मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कुछ इतना स्पेशल नहीं कर पाऊंगी. उस चीज़ का मुझे थोड़ा ऐसे हो रहा था दैट आई वॉन्ट टू डू एटलीस्ट दिवाली पूजा या धनतेरस से पहले ही ख़त्म हो जाए. बट हुआ क्या कि जो मेरी डेट थी ना वो 8 नवंबर की थी. मुझे 6 को ही थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग होने लगी, तो फर्स्ट डे की तरह ही मुझे ऐसे ही होता है. अभी आफ्टर 30 भी ना थोड़ा कम होने लगता है, बट 4-5 डेज का ऐसे स्पॉटिंग वगैरह जोड़कर तो हो ही जाता है. तो 6 से ही मेरे स्टार्ट हो गए, 2 दिन पहले ही. आई वॉज जस्ट प्रेइंग दैट प्लीज गॉड जल्दी प्लीज कर दीजिए पीरियड्स. तो हो गए, एंड आई थॉट दैट आई डू द पूजा ऑन दिवाली, आई वॉश माई हेयर ऑन संडे. बट मैं आज फ्राइडे है, धनतेरस है, हैप्पी धनतेरस. और अभी मैं धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए भी जा रही हूँ, जो कि मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी. और मैंने कोई रील वगैरह वीडियो भी इसी वजह से नहीं बनाई, बट दिस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी कि मुझे रील वीडियो बनाने से पहले अपनी पूजा का सामान वगैरह लेना है धनतेरस के लिए, दिवाली के लिए. एंड धनतेरस के दिन लेना बहुत ही ऑस्पिशियस रहता है, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि नहीं, आई वॉन्ट टू बाई दोज थिंग्स टूडे धनतेरस के दिन. और मुझे बार बार बस ऐसा खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए. तो मंडे को मुझे स्पॉटिंग, ट्यूसडे वेंसडे हुआ, एंड थर्सडे वॉज लाइक येस्टरडे. बहुत मतलब ना के बराबर, रात में तो कुछ भी नहीं हुआ. तो मैं सुबह में उठी, जस्ट थोड़ा बहुत स्पॉटिंग था, तो आई डोंट नीड अ पैड टुडे. तो इसलिए आज मैं धनतेरस की पूजा भी कर लूँगी, शॉपिंग भी कर लूँगी, और आज मैं अपना हेयर कट भी करवाने के लिए जा रही हूँ, बिकॉज मैंने अभी शैम्पू नहीं करा है, वहीं शैम्पू करा जाएगा. एंड मेरे बालों की कंडीशन ना देखो, बहुत ऐसे हो रही है, पूंछ आ रही है, ये नीचे से देखो, ये बहुत ऐसा पतले पतले हो गए हैं. तो ये मैं हटवा दूंगी. अभी देखती हूँ कैसा हेयर स्टाइल वो करेंगे लेयर्स में कि क्या, पर थोड़ा मैं शॉर्ट करवा लूँगी बाल. और बालों से मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है कि उसमें ना एनर्जीज भी होती है. मतलब मुझे तकरीबन 2 साल हो गए मैंने अपना हेयर कट नहीं करवाया, बट थोड़ा बहुत ट्रिमिंग करवाना चाहिए, या तो खुद ही ऐसे कर लिया करो, क्योंकि उसमें भी कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है. बोले मैं कैसी कैसी बातें कर रही हूँ, बट ऐसा होता है. आप ये तो सभी लड़कियों को, क्योंकि देखो लड़के तो इतना रेगुलरली अपने बाल कटवाते रहते हैं, महीने में हर महीने करवाते हैं, बट लड़कियाँ बहुत कम करवाती है. और ये चीज़ लड़कियों को बहुत ज़्यादा पता होगी कि बाल वो कटवाती ही है कभी कभी तो लड़कियां, इसलिए कि बड़ा नेगेटिव फील हो रहा है. तो अभी बस मैं अपने बाल चेंज कर लेती हूँ, कुछ नया हेयर स्टाइल कर लेती हूँ, हेयर कट करवा लेती हूँ, क्योंकि उसमें भी मुझे लगता है कि एनर्जीज ऐसे आ जाती है. तो इसलिए मैं अभी आज बाल कटवा लूँगी. थोड़ा सा मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, ज़्यादा शॉर्ट ना कर दे, बट कोई बात नहीं, देखते हैं, क्योंकि इसका जाना बहुत ज़रूरी है. ये कम नहीं नहीं अभी था मैंने सिर्फ आपको अच्छा दिखाने के लिए. आई थिंक पहले हम कम करके देखते हैं, तो जो बार बार तो कट नहीं करना, बस एक हाँ लगभग आइडिया लग जाना कि इससे छोटे नहीं चाहिए और इससे बड़े भी नहीं चाहिए. हाँ आई थिंक दिस इज़ गुड. अगर इसमें डेंसिटी रहेगा अच्छा तो आप भी देखिए ना, ये डेंसिटी है पे, बट यहाँ से टेल दिखना चाह रहे हैं. हाँ ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं. हाँ दिस लुक ठीक है. ठीक है हाँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा और चलेगा तो इट विल गेट मोर क्योंकि शॉर्ट. नीड करने में मुझसे हाफ इंच और शॉर्ट होगा. हाँ तो ये जो टेल बन गई है. हाँ देखिए आप, तो अब ये इससे छोटे नहीं होंगे ना. देखिए ये फ्रंट जो है ना, ये लेंथ पे हम ऑल हेयर कट करेंगे, अच्छा ये टेल कट जाएगी. अच्छा ब्लेंड अगर करते हैं, अच्छा आगे से ना, सिर्फ आगे वाले, सिर्फ आगे वाले, बैक वही रहने वाला है. ठीक है ठीक लगेगा. हाँ बट ये इतने मतलब ये लग नहीं रहे कि इतने कटे हैं, ये देखो. और लेंथ ऐसा लग रहा है कि कितनी निकल गई है, मतलब इसमें ऐसा लग रहा है और इसमें छोटे लग रहे हैं. और ये जब साथ में रहते थे तो लगता था कितने लंबे बाल हैं. डिसाइडेड टू गो फॉर लॉन्ग ब्लंट कट. और इन्होंने ना पहले मेरे बाल ऐसे सेक्शंस में डिवाइड कर दिए ताकि बराबर रहे, क्योंकि लॉन्ग ब्लंड में ना पीछे से ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेट या यू में आता है, और फिर उसके बाद मतलब सेम लेवल पे रहे ना वो. आप आगे देखना कि कैसे लग रहे थे. अगर आप पिनिंटरेस्ट पे इमेजेस भी सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा कि ये कट कैसा होता है,
कि इसमें वॉल्यूम हमें चाहिए होती है बालों में ना, पूरा ऐसे डेंस लगे, बराबर लगे नीचे से। कोई ऐसा मैंने ना लेज़र कट वगैरह नहीं कराया जैसे लास्ट टाइम था, क्योंकि अगर फिर उसको मैं स्ट्रेट करती हूँ तो नीचे से वो बहुत ऐसे पूंछ और पतले पतले बन जाते हैं, तो मुझे उसकी ना टेल पे भी ऐसे थोड़ा थिकनेस चाहिए थी। तो इस वजह से बहुत ही इसको सिंपल रहने दिया, सिर्फ ये स्ट्रेट है ऐसे ही, जिसको हम ब्लंट कट बोलते हैं, और आगे से थोड़े से फ्लिक्स कर दिए, शॉर्ट कर दिया ऐसे इस तरीके से कि थोड़ा कुछ तो चेंज लगे। बट इसे ना ऐसे सेट करना पड़ेगा, जैसे ये जो दोनों साइड में आ रहे हैं ना आप आगे देखना, तो इसे ब्लो ड्राई से ही सेट करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा लुक। इसे पर ये आपने उससे करा ना ब्लो ड्राई से, वो बालों को नहीं क्या क्योंकि टेक्सचर में कौन सी वाली कोम से करा था? मेरे पास तो पूरा डाइसन का किट पड़ा हुआ है, वो यूज़ ही नहीं करती हूँ। हाँ किट में ये भी है, ऐसा ब्रश भी है उसमें किट में, बट हाँ उसमें बट मैं यूज़ ही नहीं कर पाती हूँ, टिकते ही नहीं है कर्ल्स उससे। हाँ वो फॉरेनर्स के लिए बना, हम लोगों के बाल में नहीं टिकता, कितना भी स्प्रे मार लो ना तो डजंट लास्ट। सालों में गाना बहुत ज़ोर से चल रहा था और वीडियो पे कॉपीराइट आ गया, तो मुझे फिर से वीडियो डिलीट करके दोबारा से एडिट करनी पड़ रही है, इसको म्यूट करके वॉइस ओवर लगा के। तो यहाँ पर मैं इनको बता रही थी कि मिड पार्टीशन ही रखनी थी, क्योंकि साइड का मैं यूजुअली इतना रखती नहीं हूँ। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। और जो कट मैं आपको बता रही थी ना कि ऐसे वॉल्यूम रहे, ब्लंट कट है, तो ये आप देख लो पीछे से कैसे लग रहे हैं। मुझे ऐसा कोई शेप वेप इतनी रखी नहीं, क्योंकि पतले नहीं चाहिए थे मेन, मैंने सोचा था, बट ऐसे ही मुझे ठीक लग रहे हैं बाल। सो क्राउडेड टुडे, एक तो अभी चांदी की शॉप में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि इंसान सांस ना ले पाए, ऊपर से मार्केट में भी बहुत ज़्यादा रश है, बारिश अलग देखो छाता निकला हुआ है, बारिश भी देखो हर जगह इतना कीचड़ हो रहा है, पैर में भी कीचड़ कीचड़ हो गए। एक दो चीज़ें बस मैं लेकर अब निकलती हूँ, सीधा सीधा हाँ आगे से वो मेट्रो से आप लेफ्ट ले लो साकेत जाना। तो अभी लाजपत नगर से निकल रही हूँ एंड आई हैव टू गो टू सेलेक्ट सिटी, क्योंकि जो मुझे दिवाली पे साड़ी पहननी है तो मैंने टेलर को दे रखी है, और हर बार की तरह रीज़न कि उसकी फिटिंग सही नहीं थी, इसलिए पता है मैं ब्लाउज़ वगैरह देती ही नहीं हूँ स्टिच करने के लिए, क्योंकि एक बार आप दोनों इतने चक्कर लग जाते हैं, फिर से बारिश हो रही है, अभी तो बारिश रुक ही नहीं रही है, इसलिए छाता बाहर ही है पूरा, ऐसे बैग वैग सब पे, पैरों में ऐसे इतना कीचड़ वीचड़ हो रहा है, और मैंने कुछ जंक फूड नहीं खाया, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड जंक फूड, तो इसलिए मैंने भुट्टा खाया, आई हैड सम जूस, फ्रेश जूस मौसमी का, और अभी मैं ये अमरूद खा रही हूँ एंड आई लव कस्टर्ड एप्पल, तो मैंने वो भी कुछ पैक करवाया है और अमरूद खाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि लंच तो मैंने किया है। हाँ इधर से ये देखो मॉल में मैं ब्लाउज़ पकड़ के घूम रही हूँ, मुझे ट्राई करने के लिए जाना है अभी ऊपर, तो यही रीज़न है कि मेरे इतने 10-10 चक्कर लग जाते हैं, तो इतने पैसे दूँ ऊपर से फिर इतने चक्कर लगे, पेट्रोल लगता है, आओ जाओ टाइम वेस्ट होता है, पैसे वेस्ट होते हैं, इसलिए मुझे पसंद ही नहीं है। जो मुझे टॉप ऑफ मिलता है मैं वही पहन लेती हूँ। इसमें मेरा ये तीसरा चक्कर है मॉल का इसको ठीक कराने के लिए। भैया ने ना मेरा कार्डियो करवा दिया, 2 चक्कर मेरे लगवा चुके हैं, मैं फिर से जा रही हूँ इसको ट्राई करने के लिए ऊपर वॉशरूम में, और मॉल में तब से हाथ में ब्लाउज लेके घूम रही हूँ। अभी भी लूज है, यहाँ से थोड़ा ये चीज़ लूज हो गई है, ये भी थोड़ा पहले से बेटर हुआ है, बट थोड़ा भी ऐसे नहीं हो रहा, इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए, तो ये ऐसे हो रहा है। ये देखो कुछ घंटों के बाद मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, ये चीज हट गया, इन्होंने यहाँ से जो करा था ना वो राउंड वाले उससे कोम से, तो ये अब गंदे से हो गए, क्योंकि मैंने इसे इस तरीके से पीछे कर लिया तो था। इसे काटते हैं? नहीं काट सकते इसको घर में, नहीं काट सकते, मेरा बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया ही ना कि ब्लाउज के लिए इतनी बार जाना पड़ा, और मेरी क्या
अभी नहीं, दिसंबर में करेंगे। तो इतनी बार उसकी फिटिंग के लिए ट्राई करने के लिए जाना पड़ा और मैं छोड़ कर ही आ गई हूँ। कल मुझे वापस से जाना पड़ेगा। मैंने उनको ही दे दिया कि अब ये रखो, इसे ठीक से करके दो, क्योंकि 3-4 बार उसको ठीक करा उन्होंने, ऑल्टर करा, फिर भी नहीं हुआ। खैर जो भी है, और बारिश भी बाहर बहुत हो रही थी, दिया भी नहीं रखा है बाहर क्योंकि ड्रिजलिंग हो ही रही है, दिल्ली में बारिश हो रही है, तो घर के अंदर ही जहाँ पे थोड़ा सा ऐसे था ना कि पानी ना पड़े, बूंदे ना पड़े, तो उधर ही दिए रखे हैं। और सामान मैंने क्या क्या लिया है, मैंने ये फॉरेस्ट एसेंशियल की अभी जस्ट ये बाहर ही निकली हुई थी अगरबत्ती लिए, काफ़ी अच्छी होती है। और मैंने चांदी का सिक्का लिया, सब अंदर इतना पड़ा हुआ है ना, क्या लिया, थोड़ा डेकोरेशन की, मतलब सब कर दिया है घर में, इसकी जरूरत नहीं थी बट ना ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ले लिया। ये देखो, ये इस तरीके की 3-4 मैंने लिए हैं। और अच्छा है, ये बाल कैसे से हो रहे हैं ना, मुंह में आ जाते हैं ज्यादा, फिर मैं आगे करती हूँ ना, तो ये इस तरीके से लिए, ये मैं बैकग्राउंड में भी लगा सकती हूँ। तो ये मैंने 3-4 लिए हैं ऐसे, और कुछ ऐसे नहीं लिया बेटा, वो कुछ कुछ खास नहीं, ये रंगोली के कलर्स लिए हैं, लक्ष्मी गणेश जी जो होते हैं सब कुछ, क्योंकि था ही, मतलब जो ऐसे था ना मेन मेन चीजें, मैंने लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का लिया है। यहाँ बैठो ना, बोलने भी नहीं दे रहे, मैं कैसे करूँ, छोड़ दो उसको, ये रंगोली कलर है, जाओ ले जाओ इसको, जाओ ले जाओ, ठीक है। गाइन को रंगोली कलर्स के लिए बहुत ज्यादा हो रहा था। और जो मैं दिवाली का है ना वो आपको बताती हूँ, तो अगरबत्ती हो गए, ये डेकोरेशन का हो गया, जो फिर मेन चीजें थी, जैसे चांदी का मैंने कॉइन लिया है, इसमें ही होगा कहीं मेरे बैग में, 2-3 बैग्स है यहाँ पर, तो चांदी का मैंने लक्ष्मी गणेश जी लिया है, और एक चांदी का मैंने छोटा सा वो ग्लास लिया है, ग्लास नहीं बोल, ठीक है। और क्या लिया है, और जो लक्ष्मी जी के वो पैर होते हैं ना, तो ये कुछ मेन चीज़ें होती है जो कि होनी चाहिए दिवाली पर। और कुबेर जी की फ़ोटो मुझे नहीं मिली, मूर्ति मिल रही थी, और जो ब्रास की मूर्ति मिल रही थी ना, तो वो ऐसी लग भी नहीं रही थी, और मुझे कलरफुल नहीं चाहिए थी क्योंकि मेरे ऑल्टर में ना सब ब्रास का ही पड़ा हुआ है, तो मैं उनकी फ़ोटो छोटी या तो ले लूँगी, क्योंकि ये फ़ोटो तो मुझे लेनी ही पड़ेगी दिवाली की पूजा के लिए। और क्या है दिवाली का इम्पोर्टेंट, नहीं यही मेन था। और हाँ, पीतल का मैंने एक लोटा लिया है, पीतल का लोटा इसलिए क्योंकि एक तो चलो धनतेरस का मैंने सिल्वर तो ले ही लिया था, बट फिर उसमें ये हो जाता है ना कि आप दूध कॉपर में नहीं डाल सकते, तो वो पीतल में ही डालना होता है, इस वजह से लिया। और सब ना इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है, उसमें मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। ब्लॉग को मैं ख़त्म कर रही हूँ यार, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे थोड़ी देखती हूँ मैं आज अभी पूजा कर लेती हूँ फ्रेश फ्रेश होके, क्योंकि टाइम हो चुका है, शाम ही हो रही है, 6:30-7 बज रहे हैं। सुबह को गई हुई थी, जाम ना पता है अब भी लग रहा है, मतलब दिल्ली का तो मौसम का ही कुछ ऐसा, इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल कि कभी बारिश कभी ठंड, आज ठंड नहीं थी, बारिश हो रही थी बट ठंड नहीं थी, या तो लोग इतने ज़्यादा थे ना बाहर, पोल्यूशन भी, फिर पोल्यूशन थोड़ा सा शायद बारिश की वजह से हो सकता है कम हो गया होगा, पर मेरा सर दर्द हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा, वो मार्केट की वजह से नहीं हो रहा है, वो ब्लाउज़ की वजह से हो रहा है, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं ब्लाउज स्टिच करवाऊँ, मेरा इतना पैसा बर्बाद हुआ ना। अब तो मैं चैलेंज कर रही हूँ, जो मेरा एक बार मैं सही ब्लाउज सिलकर दे देगा ना, मैं हमेशा उससे ही सिलवाऊंगी, और उसको फर्स्ट टाइम अगर वो मुझे सही सिलकर दे देगा ना, हमेशा सही सिल देगा, तो मतलब चलो फर्स्ट टाइम में अगर उसने एक बार भी सही सिल के दे दिया ना, उसको मैं 5,000 रुपये दे दूँगी, बट आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, कभी किसी ने करके ऐसे नहीं दिया, मतलब मेरा एक बार तो चक्कर लगता ही है, अब बाकी उन पर है, जैसे इन्होंने मेरे 5 चक्कर कटवा दिए, कभी कभार तो 8-8 चक्कर मेरे लगे हैं, तो उसमें मेरा टाइम जाता है, एनर्जी वेस्ट होती है, इरिटेशन होती है, तो क्यों, मतलब थक जाती हूँ, ऐसे से मैं टॉप ही पहन लूँ वही सही रहता है, नहीं पहनना मेरे को ब्लाउज़, ठीक है। चलो अब इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।